So guys, today is a new day. Today is Monday, by the way. So today's day, today I have a problem. The problem is that I need to search for an ATM that is open. The thing is that all the ATMs are closed for the moment. So we are going to just look at the possibilities of any ATM being open. So let's see what happens, guys. Hey guys, this is Joel here from Joel Vlogs. आज के व्लॉग में मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ, क्योंकि एटीएम का प्रॉब्लम तो सिर्फ इंडिया में ही ये प्रॉब्लम चल रहा है इन शॉर्ट। तो मैं एटीएम के बारे में कुछ समझाने वाला हूँ, जैसे कि उसके अंदर क्या कैसा चलता है और क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। सो ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड देयर शुड बी एन एटीएम, बट दैट इज गोइंग टू बी क्लोज्ड, यू नो, दिस पर्टिकुलर। उधर वो बंद। सो यो गाइस, देयर इज एन एटीएम। आई एम एट near Stella, okay. So the Stella petrol pump is just ahead little bit, and if you take a left turn, that is the Stella petrol pump. So I'm lucky enough to have ATM open today. I thought all the ATMs are going to be closed. So the cash is over in the ATM. We tried going inside and coming back, but there is like no cash remaining in the ATM. So it is a thumbs down. Little ahead. Yeah, this is Stella petrol pump. Let's see if there are any ATMs. We are lucky. तो मैं ATM के बारे में कुछ समझाने वाला हूँ, जैसे कि उसके अंदर क्या कैसा चलता है और क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे और जानकारी भी। आजकल ATM के बाहर बहुत बड़ी बड़ी लाइन होती है, आप ये क्लिप में देख सकते हो। So here there is another ATM. So this is the ATM I'm talking about. It is an ICICI ATM. The queue is not so long. It is okay. So thank God there is an ATM open today. तो जैसे ही आपने ये क्लिप में देखा, मैं ATM के बाहर था और इसमें बहुत बड़ा लाइन था, और ये सब ATM पूरे देश में हो रही है ये सेम प्रॉब्लम। तो मैं इसका डीप एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है पीछे, तो आप डायग्राम में देख सकते हो। ये ATM है, ये मेरा खुद का ही ड्राइंग है, कुछ बहुत बेसिक है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए किया है ये सब। तो ये सिर्फ एक इमेजिनरी ATM है, और इसमें है ना 100 के नोट, 500 एंड 1000 के नोट स्टोर होती है, एंड 1000। तो ATM के अंदर बेसिकली इस तरह की कोई डब्बी रहती है जिसके अंदर पैसा स्टोर रहता है। ये मैं सिर्फ एक डब्बा दिखा रहा हूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो इसके अंदर पहला डब्बे में 100 के नोट रहती है, दूसरे वाले डब्बे में 500, और तीसरे वाले में भी 500, और एक 1000 रुपीज़ का डब्बा रहता है। तो अभी 500 रुपीज़ का नोट तो बंद हो चुकी है, जैसे कि ये जूना वाला नोट के बारे में बोल रहा हूँ, नया नोट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो सिर्फ 500 की नोट्स की डब्बा यूज़ ही नहीं हो रही है, तो मैं इसको क्रॉस आउट कर रहा हूँ। तो ये वाली और ये वाली पूरा क्रॉस आउट करते हैं, क्योंकि इसका तो सवाल ही नहीं है। और अभी 1000 रुपीज़ के भी नोट बंद हो चुके हैं, राइट। तो 1000 वाले नोट्स को भी क्रॉस आउट करते हैं, तो अभी बचता क्या है, सिर्फ 100 रुपीज़ के नोट्स का डब्बा। तो इसे क्या हो रही है, इससे ये हो रही है कि जो ATM का कैपेसिटी है नोट स्टोर करने की, जो औकात है उसकी उससे बहुत कम हो गई। मतलब आप भी समझो कि 100 का कितना नोट सेव हो सकता है एक ATM के अंदर, सिर्फ 5 लाख या 10 लाख कुछ हो जाएगी बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पब्लिक का रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा है कि इससे काम नहीं चल सकता है, इससे बहुत तकलीफ हो रही है पब्लिक को। मैं सिर्फ जूम इन करता वो तोबड़े के ऊपर। तो ये हम लोग को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, ये सब चेंज, ये सब जो 500 के नोट्स है, नए वाले नोट्स डालने के लिए ये ATM को रिकोलैबोरेट करना पड़ता है, रिकैलिब्रेट। तो दोस्तों, आपको शायद से रिकैलिब्रेट का मतलब मालूम नहीं होगा, क्योंकि रिकैलिब्रेट कुछ नया टर्म होगा शायद आपके लिए। तो रिकैलिब्रेट का मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जो साइज़ होती है नोट्स का
और जो ऑटोमेटिक होता है ना डिस्पेंस नोट्स, मतलब एटीएम से ऐसा हम लोग बटन सिर्फ दबाते हैं और कैलकुलेशन सही होती है, और उसके कैलकुलेशन के हिसाब से वो नोट काउंट होके वो बाहर निकलती है, तो भी मशीन ऑटोमेटिकली ये करती है। लेकिन ये पूरा जूने नोट के हिसाब से है, नए नोट के हिसाब से नहीं है। तो नया नोट को पूरा सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना पड़ता है, ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है, ये पूरा सॉफ्टवेयर सेटअप और हार्डवेयर को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये हुआ रिकैलिब्रेशन का मतलब। एक्चुअली जो नया 500 के नोट्स है वो उसका साइज़ थोड़ा अलग रहती है जो जूने वाले नोट्स के कंपैरिजन में। 500 रुपीस नोट्स का जो नया नोट है वो तो पूरी अलग है। तो अगर बैंक वाले लोग नया 500 रुपीस नोट को डालने का कोशिश भी करेंगे एटीएम्स में तो वो नहीं चलेगी। तो ये मैं डबल क्रॉस डालने वाला, तो ये चलने का सवाल ही नहीं है। तो इसको चेंज करने को काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो अभी फ़िलहाल तो मेन प्रॉब्लम यही है। तो रिकोलैबोरेशन का करने को काफ़ी टाइम लगने वाला है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ से सॉल्व कर सकती है कि 100 रुपीज़ नोट्स का कैपेसिटी बढ़ा के या रिकैलिब्रेशन करने को करने से ये इश्यू सॉल्व कर हो सकती है। अभी तो फ़िलहाल ये वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन पूरी डिटेल में समझा दी है। अभी सल्यूशन सिर्फ यही है कि रिकैलिब्रेशन करने से इशू सॉल्व होएगा। ये वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार व्यू कर रहे हैं। मैं ये चैनल में बहुत सारे गिव अवे और बहुत सारे वीडियोस डालते रहता हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस। सो गाइज, आई एम जस्ट गोइंग टू फिल पेट्रोल बिकॉज वी हैव टू स्पेंड लाइक 500 रुपीज़ टू सो दैट इट्स नॉट वेस्टेड, यू नो। So guys, the good thing about the Karisma bike is that it has a very big tank, so it can fill up to 15 liters of petrol, so that is quite huge, you know. So there is a lot of cold wind blowing. I'm just loving the weather. It's simply amazing. So soon we are going to reach the petrol pump. This on the left hand side. This is Manikpur petrol pump. I hope it's open in during the night time. Let's see how, what is, there is no line at all. So that's the beauty about coming in the night to fill petrol. I'm going to fill first, you know, I'm going to fill like 300 rupees because the filling mine first, so his first. मेरा मेरा पहला भरो, एक सेकेंड। हाँ हाँ, इसमें 300। आई एम फीलिंग मोर पेट, सो वी आर फीलिंग अबाउट 300 रुपीज़ पेट्रोल। फीलिंग 200 रुपीज़ इन द अदर बाइक। So guys, here I had made my first skateboarding video, if you remember. You can check out the video in the description. So that is the skateboarding video, you know, the link in the description down below.